हाइव डी वन दिस इज अन वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन तो आज के इस लेक्चर में मैंने रिसोर्च मेटोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीज आपके साथ डिस्कस करा है हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश फॉर योर अपकमिंग डी एवीवी डीईटी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो मैं आपको बता दू आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथ्रोलॉजी के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करा है सो so, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दू आपके डी एवीवी डीई का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपके डी यूनिवर्सिटी का ये आपका नाइनटीन अप्रैल ट्वेंटी को कंडक्ट करवाया जा रहा है सो so, इस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि आपका

1500 प्लस वन डे रिवीजन पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सो so, एक रिवीजन पीडीएफ है जिसमें आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज देखने मिलेंगे रिसर्च मेट्रोलॉजी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड जिससे कि आपके रिवीजन होती है आपको पता लगता है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देन सिलेबस, शॉर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स बहुत ही रीड कर लेते हो तो आपको सारे concepts, से ही समझ में आ जाएंगे. और नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे भी है जो आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि इंटरव्यू में आपको रिसर्च मेथ्रोलॉजी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए देन नेक्स्ट टेन फुल सिलेबस मॉकटेस हम आपको मॉकटेस भी प्रोवाइड करते हैं रिसर्च मेथ्रोलॉजी एज वेल एज आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर तो इस तरीके से हम आपको रिविजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि मैं आपको गारंटी देती हूँ आप इजिली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मार्क कर कर आ जाओगे आप इजिली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे क्योंकि प्रीवियसली टू टू थ्री यूनिवर्सिटीज का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन पूछे गए थे So, याद रखेगा हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जब नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो so, ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है आप वहां से डायरेक्टली हमारे ऐप पर जा सकते हो और ऐप के वेब पेज पर ही आपको स्टडी मटेरियल दिख जाएगा सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो हमारे इस रिसर्च मेथडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स फुल टेन मॉक टेस्ट, थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस एम सी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोध लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हमारा जो ये रिसर्च मेथडोलॉजी का कंटेन है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं तो आपको हमारा अगर आप कोर्स परचेस करोगे अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसोर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मोक्टेस को एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ है थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ ये आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर, कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे So, हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है याद रख के आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विदिन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप सो इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजीलिय अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विद वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिसर्च रिपोर्ट जो होता है ये कौन सा स्टेटमेंट होता है रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं रिसर्च रिपोर्ट में आप बेसिकली क्या लिखते हो हमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में तो so, याद रखिएगा देखिए जिससे आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो रिसर्च रिपोर्ट में क्या करते हो आप आपका जो पूरा रिसर्च वर्क होता है रिसर्च में आप जो भी वर्क करते हो वो सारे वर्क को आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करते हो यानी आपने किस तरीके से डेटा कलेक्ट करा किस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम पर सॉल्व करी किस तरीके से आपने डेटा uh, को एनालाइज uh, करा किस तरीके से उसे ऑब्जर्व करा ये सारी चीज अपने रिसर्च में जो भी वर्क किया होता है वो सारा आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में उस वर्क को रिप्रेजेंट करते हो उस वर्क को बताते हो सो so, उसी तरीके से हम याद रखिएगा रिसर्च रिपोर्ट जो होता है पूरा रिसर्च प्रोसेस होता है जो भी आपने रिसर्च में किया होता है किस तरीके से आपने प्रॉब्लम ले डाउन करी होती है किस तरीके से उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करी होती है कैसा उस आप, आपने प्लानिंग करी होती है वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो ना कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ आप आपकी प्रॉब्लम लिखते हो ना कि आप रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ ऐसा बताते हो कि किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट करा और ना ही सिर्फ आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में से बताते हो कि आपने किस तरीके से डेटा को एडिट करा किस तरीके से अनवांटेड डेटा को आपने रिमूव करा ऐसा भी नहीं बताते हो बल्कि आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में जिसमें कि आप आपके रिसर्च का पूरा वर्क बताते हो तो वो एक रिसर्च का प्रोसेस होता है रिसर्च के प्रोसेस में आपने जो भी करा होता है जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम को ले डाउन करी हो जिस पर किस तरीके से आपने काम करा है किस तरीके से आपने ऑब्जर्व करा है चीजों को किस तरीके से डेटा को एनालाइज करा है किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करा है किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करा है वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो सो so, सारे चीजों को हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस तो so, याद रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट अ टू इंटू टू इंटू टू फैक्टोरियल डिजाइन डैश इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं याद रखिएगा सो so, यहाँ पर हमें कौन सा फैक्टोरियल डिजाइन पूछ रहा है फैक्टोरियल डिजाइन इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो हमें ये पता करना है सो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है आपको पहले यह पता होना चाहिए फैक्टोरियल डिजाइन याद रखिएगा जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं यानी दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर आप फैक्टोरियल डिजाइन में स्टडी करते हो और याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं फैक्टोरियल डिजाइन में उसे हम कहते हैं फैक्टर्स और इनके लेवल्स होते हैं ओके okay? तो so, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ लेवल्स होते हैं और उन्हीं लेवल को आपको टू इंटू टू इंटू टू फॉर्म में दिया गया है तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर वन टू थ्री आपको कितने टू दिए गए हैं थ्री दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए थ्री अब यहाँ पर लेवल किस तरीके से होगा फर्स्ट वेरिएबल के टू लेवल्स सेकेंड वेरिएबल जो होगा सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके दो लेवल्स होंगे और जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया गया होगा उसके दो लेवल्स होंगे सो so ये जो दिया गया होता है आपको टू इंटू टू ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके लेवल्स होते हैं और ये टू 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 ये कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अब जैसे कि यहाँ पर तीन आपको दिया गया है हो सकता है अगर कभी ऐसा पूछा जाए एग्जाम में इंटू टू इंटू टू सो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए आपके पास फोर सो so, इस केस में फोर है लेकिन हमें क्वेश्चन में थ्री टू दिए गए हैं टू इंटू टू इंटू टू दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं इस स्टडी में थ्री इंडिपेंडेंट वेरियेबल जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिज़ाइन डिज़ाइन में फैक्टर्स कहते हैं इसीलिए इस का नाम हुआ है टेस्ट डिज़ाइन विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम सो इस क्वेश्चन okay, so, में मैं क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एट क्लासेस हैं और एट कैटेगरीज हैं,

ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है जितने नंबर ऑफ क्लासेस है ओके यानी एन माइनस वन ओके ये आपका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो so, यहाँ पर हमें कितने क्लासेस दिए गए हैं कितने कैटेगरीज दिए गए हैं एट एक माइनस वन अगर हम करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा सेवन तो so, यहाँ पर जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में जो कैटेगरीज इन्होंने बनाया था एट कैटेगरीज और हमें इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया था यानी फ्रीली हम कितने वेरिएबल्स को मूव कर सकते कितने वैल्यूज को मूव कर सकते हैं फ्रीडम फ्रीडम का मतलब होता है कितने हमारे पास फ्रीडम है कि हम चीजों को मूव करें ओके सो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम सो यहाँ पर टोटल जितने आपको क्लासेस दिए गए होंगे माइनस वन होता है इसका फॉर्मूला टोटल so, हमें एट क्लासेस दिए गए थे एट कैटेगरीज दिए गए थे एट में से अगर हम वन माइनस करते तो हमें सेवन आंसर मिलता है तो so, याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किस लिए यूज करते हैं याद रखिएगा आपका जो डेटा होता है इस टाइप पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपका जो डेटा होता है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से आपको फिट करना है किस तरीके से आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होगा इसे इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट का

विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट कवर अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सेक्ट ऐसा ऑप्शन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी क्या होता है कि रिसर्च में किसी रिसर्चर का कुछ आइडिया होता है उनके थॉट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट होते हैं उनका डेटा होता है ओके सो उससे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिनका आइडिया होगा जिन्होंने डेटा को डेवलप करा होगा वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होगी इसीलिए हम उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड होती है उस लैंड का कोई उस प्रॉपर्टी का कोई पर्सन होता है कि उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को परचेज करा है सो so, उस प्रॉपर्टी के साथ उस पर्सन का नाम जुड़ जाता है मतलब उससे हमें पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो पर्सन है ओके okay? उसी तरीके से रिसर्च में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं यानी जिस पर्सन का यानी जिस रिसर्चर का जो आइडिया होगा जो उन्होंने डेवलप करा होगा वो उनके राइट्स होंगे ओके सो so, यहाँ पर उसमें कौन सी चीजें कवर नहीं होती है हमें ये पता करना है सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कॉपी राइट राइट्स यानी जो भी उस पर्सन के जो भी उस रिसर्चर के आइडियाज होंगे जो भी उनके थॉट्स होंगे वो किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए सो so, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं उसी तरीके से पेटेंट्स पेटेंट्स क्या होते हैं जैसे जब भी कोई रिसर्चर न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं न्यू आइडियाज है कर, लेकर आते हैं सो यहाँ पर क्या करते हैं वो वो पहले एक company, एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के के पास जाते हैं अपने नेम के साथ उस काम को जुड़वा लेते हैं जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी ड्रग पर काम करा है तो क्या करेंगे वो रिसर्चर उनके आइडिया को पहले जाकर एक कंपनी के साथ शेयर करेंगे उसी का हम कहते हैं पेटेंट्स तो पेटेंट्स जो होते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आते हैं उसी के साथ ट्रेडमार्क ट्रेड मार्क्स क्या होते हैं जैसे आपने देखा होगा कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसमें ट्रेड मार्क्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट उस कंपनी का उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेड मार्क्स भी इंक्लूडेड होता है देन

इस so, क्वेश्चन uh, में हम पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है जैसे रिसर्च के क्वेश्चन जैसे आप जिस चीज पर स्टडी करना चाहते हो ये हो गया आपके रिसर्च क्वेश्चन जैसे आपको ये पता करना है कि पर्टिकुलर जो डिसीज है ओके okay. जो डिसीज है आपकी कुछ एक डिसीज है उसके अगेंस्ट आपको ड्रग फॉर्म करना है तो ये हो गया आपका रिसर्च क्वेश्चन आप क्या बताओगे कि इस पर्टिकुलर डिसीज को कौन से ड्रग किल कर सकते हैं आप ये हो गया आपका रिसर्च का क्वेश्चन आपको ये देखना है कि कौन सी ड्रग इस ये ड्रग पर्टिकुलर जो ड्रग आप यूज कर रहे हो उस पर स्टडी कर रहे हो कि आफे आफे ये डिसीज को किल करेंगी या फिर नहीं या फिर ये डिजीज को क्योर करेगी या फिर नहीं तो जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है प्रिडिक्टिंग एन आउटकम यानी रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है ये इसके आउटकम क्या आने वाले होते हैं उसके आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा आप ऐसा सोचोगे कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसा सोचूंगा कि इस ड्रग में ना इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस पर्टिकुलर केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो हो सकता है कि मेरे रिजल्ट सही आए सो ये क्या है ये आउटकम को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हो सकता है आ जाए तो so, ये भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिस यानी आपने आपके रिसर्च में जिन जिन, जिन, जिन चीजों को लिया है जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं आप ड्रग बनाने के बाद आप क्या करोगे किसी पर्सन पर अप्लाई कर, कर देखोगे कि वो जिस चीज को ड्रग क्योर कर रही है या फिर नहीं तो आपको किस तरीके से चीजों को यूज करना चाहिए उसे आप कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रुट गुड प्रैक्टिस तो ये भी आपका रिसर्च का एक, question, एक टाइप का क्वेश्चन ही हो गया फिर इवेल्युएटिंग ऑफ फेनोमिना आपने जो भी फेनोमिना आप स्टडी कर रहे हो सो तो किस तरीके से आप इवेलुएट करोगे किस तरीके से उसके बारे में आप बताओगे तो so, ये भी आप रिसर्च क्वेश्चन हो गया ये भी रिसर्च क्वेश्चन का एक टाइप हो गया लेकिन हाइपोथिस आपकी रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है हाइपोथिस एक स्टेटमेंट होता है अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि आउटकम ये भी तो हाइपोथेसिस होता है लेकिन नहीं यहाँ पर हमें ये नहीं पता जा, ये नहीं बताया गया है ऑप्शन ए में कि स्टेटमेंट विच इज प्रिडिक्टिंग एंड आउटकम ऐसा नहीं बताया गया बस बताया गया प्रिडिक्टिंग एंड आउटकम प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है कि आउटकम क्या आ सकते हैं लेकिन हाइपोथिस का क्या मतलब होता है स्टेटमेंट होना चाहिए ओके एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि टेंटेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और वो आपकी रिसर्च के आउटकम्स के बारे में कुछ गैसेस और अजम्पन करते हैं ओके सो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होते हैं ये आपके रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट ग्राउंडेड थी ऑफ इन ऑफ तो so, यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी हम आ, किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से ओके सो so, आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है तो ग्राउंडेड थ्योरी मतलब आप बहुत सारा डेटा जमा कर लेते हो बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो ओके आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट होता है फिर आप उस डेटा को एनालाइज कर आप क्या करते हो थ्योरी डेवलप करते हो ठीक है ये होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब फिर से हम देखते हैं ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है सो so, याद रखिएगा ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या होता है जिसमें आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को एनालाइज करते हो और उस डेटा को एनालाइज कर थ्योरी डेवलप करते हो थ्योरी को बनाते हो सो so, यही होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी अब ग्राउंडेड थ्योरी का यूज आप किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए करते हो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में So, यहाँ पर याद रखिएगा ग्राउंडेड थ्योरी आप ग्राउंडेड थ्योरी बना रहे हो ग्राउंडेड थ्योरी पर स्टडी कर रहे हो तो so, इसका किस चीज के लिए यूज करा जाएगा कि रिसर्च के इवेलुएशन पर रिसर्च में जो भी आप programs पर काम कर रहे हैं उसका इवेल्युएलुएशन पर पॉलिसीज के पर किस तरीके से उस रिसर्च को evaluate करा जाए किस तरीके से इसको स्टार्ट करा जाए सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सो रिस सॉरी ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है आपकी फॉर्म यूज करी जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम एंड इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उस

जमा कर रहे हो तो so, सिर्फ इसी को नहीं कहोगे आप ग्राउंडेड थ्योरी इससे आप थ्योरी कुछ डेवलप करते हो तो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी सिर्फ डेटा को कैटेगराइज uh, करने के लिए हम इसे ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं कहेंगे देन ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग दी कल्चर किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करोगे सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ए वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड कंट्रोल्ड और ऑब्जर्व बाई दिमेंटर स्टेटमेंट बी वेरिएट रिलेटेड टू थेटिकल कॉन्सेप्टो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा सो स्टेटमेंट ए क्या बता रहा है की वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए वेरिएबल वेरी हो सकते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं सो so, यहाँ पर रिसर्चर के पास चांस होता है कि इसको मैनिपुलेट करे वेरी कर रहे हैं यानी इसको चेंज कर सकते हैं इसमें कुछ हेयरफेयर कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं रिसर्चर वेरिएबल्स को और ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटर यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं सो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए जो दिया गया है ये करेक्ट होगा देन स्टेटमेंट भी आपको क्या बता रहा है वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड टू थेटिकल कॉन्सेप्ट सो यहाँ पर क्या बता रहा है हमें कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये थेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होते नो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स जो आपके थेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाओगे आप कभी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो so, याद रखिएगा वेरिएबल जो होते होते हैं से भी रिलेटेड हैं जैसे मान लीजिए आपको किसी जेंडर पर स्टडी करना है ओके आप क्या कर रहे हो जेंडर पर स्टडी कर रहे हो सो मेल और फीमेल तो so, ये क्या हो गया आपके थेटिकल कॉन्सेप्ट हो गई है आप जेंडर पर स्टडी कर रहे हो तो so, ये आपके थेरोटिकल कॉन्सेप्ट हो गए जेंडर में कौन आता है या फिर मेल so, यहाँ पर आप इन चीजों पर स्टडी कर रहे हो उनके बिहेवियर्स पर स्टडी करेंगे आप उनके अः चेंजेस जिस तरीके से आते हैं उस पर स्टडी कर रहे हैं उनके बिहेवियर्स पर स्टडी कर रहे हैं सो so, ये क्या हो गया आपके थे वेरिएबल हो so, जो होते याद रखेगा ये थे रिलेटेड होते हैं एज वेल एज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी आपके वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन

थाउजेंड लोगों पर आप स्टडी नहीं करते बल्कि आप आपका सैंपल चुन लेते हो यानी पॉपुलेशन में से लोगों को चुन लेते हो कुछ लोगों को चुन लोगे या आपका सैंपल बच जाएगा और इस पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे ओके तो यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन आपकी थाउजेंड पॉपुलेशन है अब आपको चाहिए कि मेरा फोर्टी परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए तो इस केस में कोहेरेंस फॉर्मूला ये आपको मदद करता है डिटरमाइन करने के लिए कि आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए थाउजेंड पॉपुलेशन में है तो आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए कि आपको टू फिफ्टी सैंपल साइज लेना चाहिए टू फिफ्टी मेंबर्स को आपके सैंपल्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए या फिर फिफ्टी

जो फेयर मार्केट होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड होता है सो so, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन सी सो क्या बताता है कि वेरिएबल जो आपके कैसे रिलेटेड है वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है ये बताता है आपका स्पीयमैन फॉर्मूला सो so, याद रखिएगा स्पेसमैन फॉर्मूला ये आपके वेरिएबल्स से रिलेटेड है वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है कैसा रिलेशन है वो बताता है आपका स्पीयमैन फॉर्मूला सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी को करेंस फॉर्मूला नेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प्स इन द कलेक्टिंग डेटा अंडर डैश मोर सिचुएशन सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो सो so वो किस सिचुएशन के अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो कि नॉर्मल सिचुएशन में या 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 फिर या फिर फिर एक्सपेरिमेंटल आर्टिफिशियल नेचुरल कंडीशन में किस सिचुएशन में किस कंडीशन में हम डेटा को कलेक्ट करते हो जैसे में आप क्या करते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके डेटा कलेक्ट करते हो जैसे इंटरव्यू इंटरव्यू अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो एक्सपर्ट्स को आप इन्वाइट करते हो सो so यहाँ पर आप क्या करे नेचुरल सेटिंग में आप क्या कर रहे हो नेचुरल सेटिंग में उस एक्सपेरिमेंट्स में और सॉरी उस इंटरव्यू में आप क्या कर रहे हो डेटा कलेक्ट कर रहे हो इंटरव्यू इंटरव्यू जो होगा आप पहले एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हो सो वो इंटरव्यू आते हैं फिर आपके क्वेश्चंस का वो रिप्लाई करते हो तो उनके थ्रू आप क्या करते, करते। हो डेटा कलेक्ट करते हो उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन रिसर्च उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर चीजों को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं ओके सो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है ये नेचुरल सेटिंग में डेटा कलेक्ट करा जाता है सो so यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग ये तो कुछ होगा नहीं सो so यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन एन करेक्ट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल तो हो नहीं सकता क्वालिटेटिव रिसर्च है सो so, आपको याद रखना है डायरेक्टली क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है ये आपके से रिलेटेड नहीं होते हैं एंड आर्टिफिशियल सो यहाँ पर दो ही ऑप्शन हो सकते थे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सिचुएशन सो याद रखेगा में नहीं कंडक्ट करवाई जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च ये नेचुरल सिचुएशन के अंडर में लाइक uh, करती है जिसमें आप डेटा जो कलेक्ट करते हो नेचुरल सेटिंग्स में डेटा कलेक्ट करते हो सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचुरल नेक्स्ट So, पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो ये बताती है कि क्या होगा आगे ओके पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यही देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे रखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या हम मैनिपुलेट करते हैं तो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका अफेक्ट होगा किस तरीके से आगे होने वाला है इस चीज को आपको बताता है

केस स्टडी ये बताता है कि आप फोर टू फाइव लोगों का एक ग्रुप बना लेते हो जिसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हो उसके बारे में डिटेल uh, में एग्जामिन करते हो चीजों को उसके बारे में स्टडी करते हो सो so, आप यहां पर स्टडी का फोकस और मेन एम ये नहीं होता है कि क्या होगा आप बस चीजों को एग्जामिन करते रहते हो तो ये होता है स्टडी का मेन एम सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी सर्वे सर्वे क्या होता है जिसके थ्रू तो आप डेटा कलेक्ट करते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथोड परफॉर्म कर आप क्या करते हो डेटा कलेक्ट करते हो उसे हम कहते हैं सर्वे तो सर्वे भी ये नहीं बताता है कि

कोई डिसीज हो गई जैसे कोविड कोविड डिसीज हो गई उसके बाद उस पर स्टडी करी गई कि वो डिसीज किस तरीके से आई ओके सो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में जो भी पुराने इवेंट्स आकर हो जाते हैं उसके बाद उस पर स्टडी करी जाती है एक्सपोज फैक्टर ये नहीं बताता है कि आगे क्या होगा सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो बताती है कि आगे क्या होगा नेक्स्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो